मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो कटनी संसदीय क्षेत्र के सांसद वीडी शर्मा ने रविवार को 4,65,00,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बता दें कि मसूराह घाट और रामघाट के सौंदर्यकरण और जीर्णोद्धार के लिए करीब 1,94,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा चौपाटी में नवीनीकरण के साथ सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के लिए 2,52,20,000 रुपए व्यय किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि भूमि पूजन किए हुए सभी विकास कार्य निगम महापौर प्रीति संजीव सूरी के प्रयासों से होंगे। वहीं कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। पालिक निगम कटनी के द्वारा आज भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है, जो कि लगभग 4,45,00,000 की लागत के भूमि पूजन कार्य है, जो कि हमारे माननीय सांसद वीडी शर्मा जी के कर कमलों के द्वारा आज भूमि पूजन किया जाएगा। और चौपाटी का नवीनीकरण, साथ ही सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था, जिसकी लगभग लागत राशि है 2,52,00,000। विकास को लेकर के सभी जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर जी, सम्मानीय विधायक और सब मिलकर के प्रतिबद्धित होकर के काम कर रहे हैं। और आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि कटनी नगर निगम ने कई सौगातें आज भूमि पूजन कराया है और आगामी समय में भी कटनी शहर मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा डेवलप्ड शहरों में से उस श्रेणी में आकर के खड़ा हो, स्वच्छ शहर बने, ये भी हम सबका संकल्प है। और पूर्ण विश्वास के साथ कटनी में कई प्रकार की सौगातें भी मिली हैं और नई सौगातें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में मिलेंगी।